दोस्तों, अपना हिंदुस्तान सैन्य शक्ति में विकास के साथ साथ अपना भारत आगे बढ़ने के दौर में एक ऐसे शक्ति को प्राप्त कर चुका है, ऐसे अचीवमेंट को प्राप्त कर चुका है जिसका कामना करना हमारे दुश्मन देशों के बस की बात नहीं है। साथ ही हमारे भारत में सैन्य शक्ति में एक ऐसा मेहमान जुड़ चुका है जो रूस के द्वारा प्राप्त हुआ था। रूस ने हमें एक ऐसे मेहमान को दे दिया है जिससे हमारी शक्ति दोगुनी हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुखोई SU-57 की। ये बहुत ही पावरफुल फाइटर जेट है। दोस्तों, जब से ये भारत को हैंडओवर किया गया है तब से मानो चाइना की नींद ही उड़ गई है। पाकिस्तान तो पूरी तरह परेशान है और चाइना की नींद उड़ गई। अभी हाल ही का एक न्यूज़ है, चाइना बॉर्डर से पीछे हो चुका है। तो यही सब कारण है भारत की आज सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। तो हम बात करेंगे आज सुखोई SU-57 फाइटर जेट के बारे में। क्या है इसकी विशेषता, इसके स्पेसिफिकेशन क्या हैं, सारी इसकी खूबियों को जानेंगे और किस प्रकार से ये चाइना की नींद उड़ा रखा है, चाइना इससे डर रहा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तेज प्रताप और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हमेशा इंडिया के अचीवमेंट से रिलेटेड और इंडिया के एनालिटिक्स की वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, ये कहानी सुखोई SU-57 की कहानी शुरू होती है चाइना से। चाइना से हमारे रिलेशन कभी भी सही नहीं थे। चाइना हमेशा धोखे में भारत को रख के भारत को लूटा है और आज वही काम कर रहा है। भले ही वो स्मार्टफोन के जरिए कर रहा हो या फिर प्रोडक्ट्स के जरिए कर रहा हो, भारत को वो खोखला किए जा रहा है। तो जब भी चाइना के साथ कोई भी अटेम्प्ट हुआ है, मुठभेड़ हुआ है, जैसे कि अभी फिलहाल 2020 में जब मुठभेड़ हुआ था, उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री रूस से लगभग 30 सुखोई SU-57 जहाज मंगाए थे। जब वो सुखोई SU-57 आ गया, उसके बाद चाइना बिल्कुल बहुत तेज़ी से डरने लगा, बहुत ज़्यादा उसको खौफ बैठ गया अंदर। और एक्सपर्ट की बात माने तो जब भी चाइना से कुछ भी होता है, चाइना से वाद विवाद जब भी होता है, तब भारत कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट करता और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, भारत को और मजबूत बनाने के लिए इसी के साथ सुखोई SU-57 आया जो सिंगल सीट डबल इंजन के साथ है और ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। दोस्तों, रूस के स्टेल्थ प्रौद्योगिकी द्वारा यह पहला फाइटर जेट बनाया गया जो पहले के मुकाबले, मतलब जो पहले फाइटर जेट थे उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पहले की लड़ाकू विमान की अपेक्षा इसके बारे में बात करें तो SU-57 आसमानी कार्रवाई करने के लिए, ज़मीनी कार्रवाई करने के लिए और जलीय कार्रवाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिससे इसको क्रूज टाइप बनाया गया है और यह सुपर एबिलिटी और उन्नत एवियोनिक्स से लैस है। दोस्तों, कुछ इसके विशेषता के बारे में बात कर लें तो सुखोई SU-57 की लंबाई 19.5 मीटर है और साथ ही इसकी चौड़ाई 13.45 मीटर है। जब यह पूरे पंख फैला लेता है तो इसकी चौड़ाई 13.45 मीटर हो जाती है और जमीन से इसकी ऊंचाई 4.74 मीटर रखा गया। दोस्तों, इसके वजन के बारे में बता दें तो ये इसका वजन 18,000 किलो का है, 18,000 किलोग्राम का है, बिना किसी मिसाइल या फिर बिना किसी बम को लगाए हुए, मतलब सिंगल इसका वजन 18,000 किलो का है। और जब इस पर फाइनल वेट लगा देते हैं, जैसे कोई मिसाइल बम वगैरह लगा देते हैं, तो इसका पूरा फाइनल वेट हो जाता है 29,720 केजी का। और SU-57 की रेंज बता दूं दोस्तों तो यह 35,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और इसका जो टैंक है, ईंधन रखने की क्षमता है, वो 10,300 केजी का है। और फाइनली जो इसकी स्पीड बताई गई है वो 2140 किलोमीटर पर हावर है। अगर इसका सब सोनिक पे बात करें, मैंने सुपर सोनिक और सब सोनिक के बारे में अपने ब्रह्मोस मिसाइल वाले वीडियो में बात की है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो अगर हम इसके सब सोनिक स्पीड की बात करें तो 3500 है और सुपरसोनिक स्पीड की बात करें तो 1500 किलोमीटर पर हावर है। तो सुपरसोनिक और सबसोनिक ये ऐसी स्पीड है जो ध्वनि के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर इसका कंपेयर हम MiG-29 और SU-27 से करें तो MiG-29 और SU-27 के मुकाबले ये सुखोई SU-57 उन सब के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का है ये। और दोस्तों, सुखोई SU-57 की सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं तो इस सुखोई SU-57 में ब्रह्मोस मिसाइल को हम लगा सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल लेके ये चल सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल K
किस तरह से दुश्मनों के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, खासकर चाइना के लिए और पहाड़ी इलाकों के लिए। इस पर मैंने पूरे ब्रीफ में बात किया है, हर चीज मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो सुखोई जहाज पे हम ब्रह्मोस मिसाइल को फिट कर सकते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल लगाने के बाद ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी सुखोई जहाज के बारे में, सुखोई SU-57 के बारे में। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू, जय हिंद।